प्रभारी मंत्री का करेरा दौरा, अचानक आए अस्पताल फिल्टर मंडी की अव्यवस्थाओं को देखकर भड़के, दिए कार्रवाई के निर्देश। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज शुक्रवार सुबह अचानक करेरा आए। करेरा आते ही सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए और अस्पताल में पोषण आहार केंद्र को देखा। महिलाओं को दो लड्डू की जगह एक लड्डू दिया जा रहा था। एक नाइट में डॉक्टर अनुपस्थित थे और अस्पताल में गंदगी को देखकर एसडीएम से डॉक्टर पर फिर करने को कहा और न ही कोई व्यवस्था थी, जिसको देखकर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पानी की समस्या को देखते हुए फिल्टर प्लांट पहुंचे, फिल्टर प्लांट पर पानी की व्यवस्था को देखा और कर्मचारियों के हाथ रजिस्टर को भी देखा। 50% से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर धाम की 2 जनवरी से कथा होना है, जहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके उपरांत खाद की समस्याओं से जूझ रहे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। एक काउंटर होने से खाद यहां किसानों को नहीं मिल रहा है, इसी के चलते उन्होंने काउंटर बढ़ाने की बात कही है। मंडी के उपरांत अपने बाल सखा धर्मेंद्र शर्मा, बबलू खेरा, मोदी वालों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और वहां से ग्वालियर के लिए निकल गए। करेरा एसडीएम अजय शर्मा, तहसीलदार कल्पना शर्मा, नायब तहसीलदार पूर्व विधायक जसवंत जाटव, नगर परिषद अध्यक्ष पति राम स्वरूप रावत, नगर परिषद इंजीनियर अभय सिंह, करेरा नगर निरीक्षक विनोद छावई, सफाई दरोगा सुभाष नरवरे सहित अधिकारी मौजूद रहे। इनका कहना है कि करेरा एसडीएम अजय शर्मा ने प्रभारी मंत्री के आदेश का पालन करते हुए अस्पताल में सब व्यवस्थाओं को देखा और पोषण में गर्भवती महिलाओं को एक लड्डू देने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाददाता संजय बिलिया की रिपोर्ट। वो अक्टूबर में देखो बहुत हालत खराब है हॉस्पिटल के, तो भी मिली तो मैंने इनको बता दिया कि एसडीएम को, और मेरे चेकिंग के बाद भी करेरा की बता करेरा के लड्डू इनको नहीं मिल रहे हैं। महिला एक लड्डू मिल रहा है, वो मैंने आपके एसडीएम को बता दिया, उनके सामने जान दी। एक तो आज की भी हालात ठीक नहीं है, सफाई कर्मियों की मैं रजिस्टर देख रहा हूँ तो 50% सफाई कर्मियों की आज भी रजिस्टर पे नहीं है। कितना आपकी संज्ञान की जरूरत है, अब इसमें देख लो, ये नवंबर है, तब नवंबर है।